अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार धूप इतनी ज्यादा हो गई है ना जब से ये बारिश खत्म हुई है, इनको भी खोलना है। लेकिन सबसे पहले हम कबूतरों के पर बांधते हैं और पर बांधने के बाद इनको खोलते हैं, क्योंकि इनको हमने ज्यादा फोकस नहीं किया इन पे अभी तक। रेत साइड पे कर रहे हैं, यहाँ पे आज हम ना कवर कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, उधर साफ सफाई, इधर सेटअप और बांस पड़े हमारे वो अच्छा। अरे जिन टेप तो लेके आना, इनको कबूतरों को खोलते हैं पर बांध के। मिलेगा दुकान से तो नहीं लानी पड़ेगी? दुकान से लानी। जड़ो बोल रहा है ला। चौधरी लाया था कल। लाया था ना यार, वारिस भाई को दी थी। किधर है? हमारे घर में भी यही होता है, हर घर की तरह चीज लाते हैं रख के भूल जाते हैं, ढूंढनी पड़ेगी। जब हमने एक एक कबूतर को पकड़ के उसके पर बांधते हैं, उसको बाहर खोलेंगे। नोप, बड़ा वाला भाई हाथ ही नहीं जा रहा आगे यार, वो भाग के पीछे। जिन ट्राई करे, मैं पकड़ तो आप टेप बांध। हां अरे नहीं, ओए पता नहीं लगा, मैं सर लगा लूं क्या। चौधरी चौधरी बना रहे नो बूटर। ओए रोजा तो रोजे में क्या टेप? क्या बात है सर, टेप कोई खाने की चीज थोड़ी है। बात तो सही है। इनके मेन पर ये होते हैं जिससे ये उड़ते हैं, तो ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हल्का फुल्का उड़ पाएंगे, मतलब दीवार पे बैठ गए एक जगह से दूसरी जगह चले गए, प्रॉपर तरीके से नहीं उड़ पाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है ना। जिसकी कबूतरी भागी थी उस कबूतर के पर बांधे हुए बंधे हुए यार, उसके भी ऐसे बंधे हुए उड़ जाता है। दोबारा से कर लेते हैं, चल मेरे कबूतर उड़ जा। अच्छा मुबीन भाई इससे फायदा क्या होगा, मतलब अब मैं भी इन्हें खोल सकता हूँ ना? तू मत ही खोल भाई, तूने उड़ाने हैं, वो पहले भी कबूतर तूने उड़ाया है। एक बात है, जिसने उड़ाया तब हम और लेके आए। हाँ फायदा हो गया ना, इन्हें दर्द नहीं ना होती ऐसे है ना। नहीं। इसकी आंखें भी रेड हैं, घुसीली वाली, मैं दिखाता हूँ। रेड है घुसीली वाली भाई, भाई टिक इधर इधर देख, आंखें भी रेड है घुसीली वाली है। लॉजिक है ना, गुस्से में आंखें रेड हो जाती है। ये कहाँ से आ जाते हैं लोग उठ के। नो, मार लियो। इसकी चोंच भी बड़ी है बाकियों से। हारिस भाई जाए, क्यों वो देखो हारिस भाई जल्दी चो। बड़े ना ये किसान है, इनको बंद कर दो थोड़ी देर को, वो जा रहे फिर। इसकी ब्राउन है, देख इसकी आंखें रेड है, घुसीली वाली। गेरे के एक्सपेरिमेंट करें क्या? योगा जी सारे तोते हम बड़े, क्या बोला तूने? तोते एक कबूतर है बड़े, ठीक है। हमने इन सब की पर बांध दिए, जो बच्चा है ना उसके पर नहीं बांधते, उसको ऐसे छोड़ते हैं, देखते हैं वो उड़ेगा या भाग जाएगा। उड़ा नहीं सर, वो लगा था ना फूल गया ना आगे भी। क्या सब्सक्राइब लाइक शेयर 1 मिलियन रोड टू अबे तेरी अंग्रेजी खत्म हो गई। फर्स्ट टाइम कबूतरों को खोल दिए, खुश लग रहे हैं, थोड़े से कुछ दाना भी खा रहे हैं, कुछ देख ही रहेंगे हो क्या रहे हैं यहाँ पे। होपफुली 2-4 दिन में ये हिल जाएंगे, हम रोज की रूटीन में इनको खोलेंगे ना दाना डालेंगे तो ये हिल जाएंगे, फिर उड़ेंगे नहीं। ओए ये देखो कितने मजे से धूप सेक रहे हैं। मैंने ना कबूतरों के लिए ना रियो को अंदर बंद करवाया था, शोर मचा रहा है। हाँ देखना फिर से शोर करेगा, अब इसको पता है ना मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब नहीं करेगा। मेरे बैठते ही कैमरा बंद कर दे दोबारा, ऐसे शोर करता है बच्चे नहीं रोते इस तरीके का शोर करता है। इधर बैठा हुआ देखो सुकून से, वो उधर मट्टी में बैठी है सुकून से। गैस अब ना मैं बाकी परिंदों को भी खोलने लगा, तितर मुर्गी को खोलते हैं सबसे पहले। तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हारा लाख खराब हो गया। आर यू कॉमेडी मी? तितर मुर्गी जाओ। हाँ इनको उठा के नीचे निकालना पड़ेगा यार, कल साइलेंट को लॉक किया था ना हमने, तो उसकी चाबी जो है वो गुम हो गई थी, अब इनको ऊपर से ताला तोड़ना पड़ेगा। चौधरी साहब चुको, करता है ये कीड़े। फिर ये कल कह रहा था मुझे ना छेड़ो, मुझे ना छेड़ो। चलो जाओ जाओ बाहर। मुबीन भाई
कितना मजा आ रहा है अपने जानवरों का खुद ही सेटअप कर रहा है बंदा, है ना। खुद करने में बड़ा मजा आता है, इंसान जब भी देखता ना खुद आता है यार ये सारा सिस्टम मैंने किया अपने हाथों से किया। और मतलब अगर इंसान खुद पाल रहे ना तो उसको खुद से चीजें करनी ही आनी चाहिए, खाना पीना, साफ सफाई, घर वगैरह, हर चीज। मतलब कि अभी हम सीख रहे हैं सब कुछ। ऐसे आपने पहले कभी ये आरी से काटी है लकड़ियाँ वगैरह? मैं खुडला बनाता था। खुडला वो क्या होता है? खुडला कबूतरों का, चूजों का घर। अच्छा, जिन क्या कर रहा तू? साफ कर उसके रंग ना लगे। ओए तुझे पता है ये ऐसे साफ हो जाएगी ना ये बहुत प्यारा लगेगा। अब देख रंग निकला इतना। ओए इधर आई, ये किसका है? क्या ये मेरा तो नहीं है ना? ना कर, इधर दे वापस। पागल है यार, यार जिन क्या अजीब बंदा है। मुबीन भाई इनकी तरह तरतीब गाइड करें, क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है आपका? यार ये ना हमने बना दिया, ठीक है, इसको हमने सोचा नेचुरल कलर इसका अच्छा भी लग रहा है, कलर में रखेंगे। जिन साफ कर रहा है जिससे देखो लुक ना अलग से निकल के आ रहा है, साफ सुथरे वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, बांस ऐसे लगा दिए और थोड़ा खड़े बांस लगाएंगे सर से, तो ये और खूबसूरत लगेगा। थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। ये पता नहीं किसकी शर्ट लेके आए। मुबीन भाई ये मेरी है, मैं आप कुछ इसे कह नहीं रहा। तो तेरी शर्ट से साफ कर। तो मेरे हाथ में कैमरा ना होता, मैंने तो छीननी थी, यहाँ पकड़े मैं इसे लूँ अपनी शर्ट। शर्ट नहीं है बल्कि अपर है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ठीक है, सबसे सही इंसान की शर्ट सही है। अगली बार आपकी शर्टों का मैं बेड़ा कर करूंगा, देखना। एक दो बार मैंने पहनी, कुत्तों ने गंदी कर दी, उधर रख के उसको पाँव से रगड़ के मेरी नई शर्ट का पोछा बनाया था मैंने। तो यही बात है, सबको रोना लग रहा है, सबकी हालत चाहिए और काम में बहुत सारा बात है। मियाँ ज्यादा छाले फील हो रहे हैं, चलो मतलब यहाँ वो बन जाते हैं ना वैसे ज्यादा। आप साइकिल चलाओ, बिलिंग शिलिंग मारो, चंडी कहते हैं इसे, छाला कहते हैं इन सिंपल वर्ड। चंडी क्या बात है, चंडी कहते हैं, चंडी कहते हैं तो बता दो यार। ये क्या कर रहे हो, ये क्या प्लान है आपके? भाई पहले भी बताया था, इतना लंबा रिकॉर्ड करवाया मैंने इसका। यार चुप 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 चुप। मैंने वहाँ से खुदाई शुरू की, खोदता खोदता मैं वहाँ पहुँच गया, इतना लंबा मैंने से रिकॉर्ड करवाया, तफसील बताई। नमूने ने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया, ठीक है। अब दोबारा से ये स्विमिंग पूल होगा पक्का करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक रास्ता, वो खोला, सारा जमा हुआ पानी जो होगा वो रास्ते से गटर में चला जाएगा। रास्ता बंद किया, फ्रेश पानी भर दिया, ये हमारा प्लान है। और इसमें आप सीमेंट लगाओगे? हाँ ना, पहले भी सीमेंट का बताया था, सीमेंट से पक्की होगी, गारा गंदा नहीं होगा। एक बार मैं ट्राई करूँ ऐसे थोड़ा सा, पिछली रिकॉर्डिंग में भी ट्राई किया था मैंने, कहा इस बार अच्छा होगा ना। कर भाई कर, आ गया पहले यहाँ से तो हुआ हुआ है, उधर जा, उधर दीवार की तरफ। क्या दिखा रहे तू? कैमरा 0.5 कर दिया, खोदी भी खुद जो पहले खुदी भी उधर मार रहे हैं, और कुछ असर भी तो पड़ना चाहिए। किधर मारूं एक बार बताओ? खोदना इधर से, उसरा की नाली जैसे मैंने खोदी भी वहां पे। या अल्लाह हाथ छुट गया, मेरा पाँव पकड़ रहा है गिरते हुए। शाबाश, क्या बात है। एक ही जगह ना मारना, उससे आगे थोड़ा सा मार। हाँ वही, यहाँ से नहीं, वो नाली कहाँ लेके जा रहा है, वो सीध में लेके जानी है उसको, ऐसे लेके जानी है, उसको ऐसे कर रहा है। नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं करना, देखो कहाँ लगी ये। मम्मा का लाडला, पापा का परा, मम्मा का परा, ये तेरे बस की बात नहीं है, पकड़ बंद कर इसको। प्लान में आई है चेंज, इसने मुझे बताया प्लान, कहते मुबीन भाई वो उधर नहीं जाते, यहाँ से इसको मोड़ते थोड़ा बड़ा सर्कल, बड़ा तो उधर से पानी इधर, इधर से सर्कल वाले तालाब में, इधर से इधर और यहाँ से बाहर। कौन सा सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड? क्या होता है वो? अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, सीवेज का सिस्टम हमने अपना बनाया। अब जो उधर वाली खुदाई जिन ने कराई है हमसे, जिन अब भरेगा उसको। बेलचा उठा, मैं यहाँ खोदता हूँ, चल चल। नहीं पहले नहीं, तेरे दिमाग में ही आइडिया आया है? नहीं, कम ऑन ये। हरीश भाई पीछे तो देखो क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था यार ये ऐसे मिलाएगा, लेकिन ये अच्छा हुआ है, रोजा लग रहा था यार। या मरहबा, इसको लग रहा था रोजा, मुझे पता था इसको रोजा लग रहा है, तो हमने थोड़ा सा गीला कर दिया, ठंडा रोजा हो जाएगा। गीला करें? नहीं मुझे रोजा नहीं लग रहा। यार पब्लिक साइलेंट की हो गई तबीयत खराब। अगर आपको नहीं पता इसे ना एक बीमारी है माइटोनिया करके, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि उसमें क्या होता है, आपका ना जिस्म काम करना छोड़ देता है। इसे नाम मुझे नहीं याद, इसके आसपास ही होगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है, जिस्म आस्ते आस्ते काम करना छोड़ देता है। इसको ना साइलेंट की बीमारी बहुत पहले से थी, जिनको नहीं पता साइलेंट गुजरात से है, और गुजरात में काफी अर्सा रहा, इसका इलाज है वहाँ पे कम्प्लीट कभी नहीं हो सका। तो मैंने इसको यहाँ बुलाया, मैंने कहा यार तू आ मेरे साथ काम कर, मेरी टीम में आ, यहाँ पे कोई ना कोई काम ऐसा होगा तुझे एडजस्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ अर्न करेगा। इस नीयत से मैंने जिनको भी बुलाया था, साइलेंट को भी बुलाया था, ये लोग यहाँ आए
हो तब से मेरे साथ काम कर रहे हैं, इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट जुड़ रही है और साथ में इसका इलाज भी चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि ना ऐसी बीमारी जिससे आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाला लड़का है यार, साथ भी लगा रहता है अपना, इलाज भी इसका चल रहा है और फिर भी ना अब वो इतनी ज्यादा स्टेज पे जा चुकी है ना बीमारी के, मोस्टली क्या होता है कि इसका जिस्म काम करना छोड़ देता है, गिर जाता है। इसके घुटने जो है ना तो वो गिरने की वजह से बार बार वहां से जख्मी है, लाइक निशान पड़े हुए हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे इंसान बार बार घुटने से गिरता है। अभी अंदर इसकी हालत काफी खराब हो गई थी, मैंने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सीन है क्या मामला है। तो इसलिए सरन काफी कम नजर आता है व्लॉग्स में, काफी थोड़ा आता है और हम ज्यादा रोले भी नहीं, मतलब सरन को तंग शंग भी नहीं करते यार, फन में चलते हैं। मैं ना इसका शुरू से दिल लगा के रखने की कोशिश करता हूँ कि इसका दिल लगा रहे और हंसता रहे, थोड़ा एंजॉय करता रहे, क्योंकि स्ट्रेस लेगा उतना इसके लिए नुकसान दे, तो कहीं ना कहीं इसको लगा के रखते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, शुगल करते रहते हैं ताकि ये नॉर्मल रहे। फिलहाल मैं आप लोगों को पिक्चर भी इसको बोलूंगा यार, अपने टखने दिखा उसकी पिक्चर लगा दूंगा और अभी अंदर बिस्तर में लेटा हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। वो ढीले तेरा ना रोल ये साइलेंट में, तुझे बताओ अपने घोड़े दिखा जो गिरने गया था, तूने जख्मी किया है। अच्छा अच्छा जरा था जब हॉस्पिटल यहाँ गिरा था, हंसता रहा दांत दिखा, हाँ ऐसे इतनी ऊपर ही नहीं होगी पेंट, उतार के दिखा, नहीं होगी साइलेंट हो और नहीं होती यार, ऊपर से उतार के दिखा दे, और खैर है उतार दे वहां से यार, मैं कैमरा ना इतना रखूंगा, किसी को पता नहीं चले। क्या हुआ था जो तो भी ज्यादा खराब हुई थी, सर दर्द हो रहा था और कुछ मुझे व्यायाम हो गया था। मुझे बता लाइक आवाम को जानना है कि हालत कैसी होती है जब तू मतलब एकदम से जिसम काम करना छोड़ता है, सिचुएशन क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं? जो समटाइम तूने कुछ पकड़ना होता है तेरा हाथ उधर ही ऐसे रह जाता है, ये इसका ऐसे ही रह जाता है समटाइम, मतलब कुछ खा रहा है ना उठाएगा और वो गिर जाएगा, उसका हाथ ऐसे के ऐसे रह जाता है, ये होता है। घोड़ा दिखा जरा, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से उतार दे साइलेंट, फिर नहीं मान रहा, इसने घोड़ा दिखाना है। अच्छा। पैंट ना नीचे से ऊपर नहीं हो रही, मैंने साइलेंट को बोला यार तू ऊपर से नीचे कर दे, हम आधा आधा दिखा लेंगे, मान मेरा तो वो सच में नहीं हुआ, मैं मजाक कर रहा हूँ, यहीं से ऊपर कर रही सीरियस हो गया यहाँ से क्या दिखा रहे हैं यार, ये जो गिरता रहता है ना घोड़े छोड़े छिले में, गिर के मैंने आवाम को बताया, इसका जिसम काम करना छोड़ता है धड़ाम से नीचे गिर जाता है, ठीक हो गया। ये निशान है इधर, ये निशान है ठीक है, ये निशान है, तो इसका दोनों घोड़ों पे, दूसरा भी दिखा, ये देखो ये निशान है, इसके पूरे जिस्म पे ना रोला ही है बेचारे के, इसके लिए दुआ करो हाँ टिपकने वाला है। नहीं बुराई इतनी जल्दी नहीं जाती, ये निशान है। ये देखो इधर इसने घोड़े छोड़े छुलवाए हुए, गिर के अरे बड़े टेंशन ना ले, ठीक है बेजत तू तब भी होता रहेगा, जितना मर्जी बीमार हो बेजती होती रहेगी, उससे बाद ये मत सोच तू ढीला है तो तेरी बेजती नहीं होगी, नहीं दर्द हो रही थी मतलब जितना संभाल करूंगा, डॉक्टर ने खुद बोला उतनी बढ़ेगी, तो क्यों लेट रहे आप बाहर पार्टी करते हैं, कौन से वाली तुझे कौन से वाली करनी है, मुझे इफ्तारी पार्टी करनी है, चल थोड़ा सा टाइम है गुजार ले, पार्टी कर रहे थे तीनों बार चारों पानी लगाया ठंडा ठंडा गाइस, ठंडा ठंडा पानी लगा के नहाए, बड़ा मजा आया, सोने के लिए लेटता हूँ ना मुझे नींद नहीं पड़ती, नींद पड़ती नहीं है नींद आती है, मतलब नींद आती नहीं, फिर ऐसे दिन में एक एक दो दो घंटा जिस टाइम मौका मिला था मैं कब सो जाता हूँ। अच्छा खुद ही बैठा था ना, सवारी कर रहा था मैं यार, इसके बच्चे जो है ना इसके साथ साथ घूमते हैं, ये बैठती है ना अपने बच्चों को अपने नीचे बिठा देती है, मतलब यार बाकी ना हम लोग साइलेंट को तंग करते रहते हैं ताकि उसको दिल लगा रहे, जैसे उसने भी बताया कि जब वो हावी करेगा उतना टेंशन उतनी, तो हम कभी उसको याद नहीं होने देते भाई तू बहुत कमजोर है या तू गिर जाएगा या तेरे से होगा नहीं, कीड़े करते रहेंगे मस्ती करते रहेंगे, तो ऐसे जब कुछ बीमारी हो या कुछ इशू ना आसपास दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, और वो माहौल इसको मिल रहा है कि बेइज्जत होता है, बेइज्जत करता है, तंग होता है, तंग करता है, खिचड़ी बनी रहती है, बड़ा मजा आता है, तो आप लोग यार सीरियस वाला हेट नहीं दिया करो, साइलेंट के मजे लिया करो, साइलेंट आप लोगों के मजे लेगा, एक दूसरे को मतलब शुगल में चलता है, लेकिन हेट ना दो लड़के को, शहजादा है यार इतने टाइम से साथ रखा हुआ है फॉर अ रीजन, शहजादा लड़का है, प्यार दिखाना है हमेशा उसको। या मरहबा यार दो और मसले आपको बता दूं, एक है ये मेरी एलर्जी है यहाँ पे, इसका इलाज चल रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरे दांत टूटे हुए थे, मैंने उसको दांत लगा दिए, उसने ना कुछ ज्यादा ही चिट्टे करके दांत लगा दिए, अब मेरे नॉर्मल वाले दांत भी अजीब लग रहे होते हैं, तो चिट्टे दांत फेक दांत लग गए, उन पर ब्रश का असर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है प्लास्टिक के दांत लगे हुए, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ उन्होंने, तो गुजारा क्या करूं, कुछ साइलेंट फिल्टर ऐसे डाल देता है, मैं रोज ब्रश करूं तब भी मेरे मतलब दांतों का बेड़ा गर्क हो रहता है यार। पब्लिक दुमान जो बहुत ढील है, आज पूरा दिन हो गया, ये शुरू में तो थोड़ा ठीक लग रहा था, अपना ऐसा लग रहा है इसकी बॉडी में, अभी इसको थोड़ी मुश्किल से कुछ खिलाया तो ढीला होकर
सोने के लिए लेट गया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बॉडी से जान निकलती जा रही है, शुरू से इतना कमजोर है। आपने देखा जब हम बेला लेके आए थे, बेला में थोड़ी जान थी, खेलती थी, इधर उधर भागती थी, लेकिन इसका क्या होता है कि ये खाता है बैठ रहा था, खाता है बैठ रहा था। अब ना मुझे लग रहा है ये वीक से वीक होता जा। कोई भी अगर हमारा जानवर वीक हुआ करेगा, कमजोर हुआ करेगा ना, हम उसे इमरजेंसी स्टेज में डाल दिया करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ज्यादा इसकी केयर करेंगे, ज्यादा ख्याल रखेंगे, ज्यादा खाने खिलाने की टाइम देने की कोशिश करेंगे और होपफुली जल्दी से दुमान ठीक हो जाएगा। ये जो हमारे कॉकटेल्स है ना, उनमें से एक बीमार था, अल्हम्दुलिल्लाह अपसेट हो चुका है। जो लव बर्ड्स मैंने बोला था ना, अंदर रहते हैं, वो हो सकता है अंडे दे दें बहुत जल्दी, क्योंकि वो बाहर बहुत कम आते हैं यार, अंदर ही रहते हैं, दाना पानी खाते हैं, अंदर चले जाते हैं। मुझे जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी एग्जीबिशन, वो भी ऐसे ही है। यार चौधरी एक डील करें, कल ना तू जो है वो बनाएगा जिनके साथ मिलके स्विमिंग पूल पूरा का पूरा, ठीक है, और मैं कल सामान लाता हूँ और कबूतरों के लिए अंदर उनका घर बनाता हूँ, डील। और यार क्योंकि ना मुझे फील हो रहा है कि रियो और टोक्यो तंग करने लगे हैं, इनको खुले रहने की आदत हो जाएगी, एक टाइम तक खोलेंगे, इनको बंद कर दिया करेंगे, कबूतर वबूतर भी हमने बंद कर दिए, टाइम काफी ज्यादा हो गया। पब्लिक कर हमें बहुत सारे काम करने, यहाँ पे हम ना ब्लॉग को करते हैं एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि हम मिलियन सब्सक्राइबर्स पर जो है अपने बाल कट करवा लेंगे फाइनली, और शेर का बच्चा भी आएगा अगर आप ईद से पहले पहले हमारे मिलियन सब्सक्राइबर्स कर देते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, दिल से लव यू, अल्लाह।